हाँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा ये बोल तो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन ये वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट्स दो तरह के होते हैं, एक है जनरलिस्ट और एक है स्पेशलिस्ट। जो आपका जनरलिस्ट वर्चुअल असिस्टेंट है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ तो मुझे पता है कि कुछ बहुत सारे रेपिटेटिव काम हैं, कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कुछ लोगों को रिस्पॉन्स करना है, कुछ ईमेल रिस्पॉन्स करनी है, कुछ उनको पढ़ना है। तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि लोग वीए हायर करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क असाइन कर देते हैं ताकि उनको वो पता चले कि जी हमने प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर काम करना है। या आप समझ लें कि ऑफिस में सेक्रेटरी रखने की बजाय आप जो है वो कहीं पे अपना वीए रख लें और वो आपको वही काम करेगा जो आपके ऑफिस में सेक्रेटरी ने काम करना था। लेकिन जो अमेज़ॉन असिस्टेंट की वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं, दैट इज़ आ स्पेशलिस्ट। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, इनके पास स्किल होती है, यही वजह कि इनका कमाने का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट आप समझ लीजिए कि अमेज़ॉन पे काम करने का एक्सपर्ट होता है। अब उसकी जॉब क्या है, अमेज़ॉन पे देखना पड़ेगा कि अमेज़ॉन पे काम क्या होता है। अमेज़ॉन पे ऑब्वियसली इट्स अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर बंदा, हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर अपनी चीज़ें बेचना चाहता है और पूरी दुनिया उसकी मार्केट है। अब एक ऐसा शख्स जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अगर अमेज़ॉन पे बेचना चाहता है तो उसको एक पढ़े लिखे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी और वो है वीए। अब काम उसने क्या करना है, काम उसने ये करना है कि उसका पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसने मार्केट रिसर्च करनी है। उसने एंटरप्रेन्योर को ये बताना है कि भाई अमेज़ॉन के ऊपर कौन सी चीज़ बिक रही है, और फिर उसने कंपटीशन बताना है कि कितने लोग हैं जो बेच रहे हैं, कितना प्राइस क्या है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें उसने रिसर्च करनी है। तो पहला उसका काम क्या है, रिसर्च करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आपकी रिसर्च ठीक है तो बाकी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं, और अगर आपने प्रोडक्ट ही गलत चूज़ कर ली है, यानी मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ कि अमेज़ॉन खुद बेच रहा है और मैं भी वो चीज़ें बेचना शुरू कर दूँ, तो वो उसमें मैं कभी अमेज़ॉन को कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छा भी ये होगा, वो कभी भी मुझे सजेस्ट नहीं करेगा कि सर आप ये चीज़ बेचें, वो मुझे बताएगा सर आप ये चीज़ ना बेचें, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बेशक आप वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन आप अमेज़ॉन के ऊपर इसको नहीं बेच सकते, कंपटीशन टफ है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। इसलिए पहला काम उसने रिसर्च करके आपको बताना कि कौन सी प्रोडक्ट आपने बेचनी है। उसके बाद दूसरी जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट लेनी कहाँ से, सप्लायर फाइंड करना। आमतौर पे अभी क्या होता है कि अमेज़ॉन पे 90% जो चीज़ें बिक रही हैं वो अलीबाबा से खरीदी जाती हैं और अमेज़ॉन पे बेची जाती हैं, क्योंकि अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बल्क में चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और वो डेफिनेटली जब आप रिटेल पे बेचते हैं चीज़ें तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, जब होलसेल पे चीज़ें खरीदते हैं तो उनकी प्राइस कम होती है। ये पाकिस्तान में मैं समझ लूँ कि पाकिस्तान का जो शालमी मार्केट है वो अमेज़ॉन का अलीबाबा है। तो ये इस मॉडल को मैं सिंपल अगर वे में बताऊं तो बिल्कुल पाकिस्तान में अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं शालम मार्केट में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं बल्क में, और वही चीज़ें गुलबर्ग में, वही चीज़ें मॉडल टाउन में, DHA में दुकानों पे बेचते हैं। और मार्जिन कितना होता है कि जो 5 रुपये की चीज़ होती है वो 25 रुपये की चीज़ बिक रही होती है, जो 25 रुपये की चीज़ है वो 250 रुपये की चीज़ बिक रही है। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या है कि उसको मैं पाकिस्तान में बैठा मुझे नहीं पता कि जो मैंने प्रोडक्ट बेचनी है जिसमें मेरे वीए ने बताया कि पोटेंशियल है, वो बिकनी मिलनी कहाँ से है। वीए ने सप्लायर फाइंड करना होता है, सप्लायर के साथ राबता करना होता है, उनसे सैंपल मंगवाने होते हैं, ये उनकी सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर को बतानी होती हैं, ये उसका काम है। और फिर जब सप्लायर का भी बता दिया तो अगला काम है कि वो दुकान पूरी जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर लेके जानी है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली लिस्टिंग करना। वो प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, लिस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट की हैं, फिर हमने क्या करना है कि उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बेहतर हो ताकि वो अच्छी लोगों को नज़र आए, और जब लोग सर्च करें तो हम ऊपर जो है वो नज़र आए।
फिर उसमें क्या करना है कि उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, वो वीए का काम है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो वीए का काम है, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये सारा वीए का काम है। और उसके बाद बेशुमार एरर्स होते हैं। आप जब अकाउंट खोलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो इट्स नॉट सो सिंपल। पाकिस्तान में भी जो काम हो रहा है वो ये है कि लोग धड़ाधड़ अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट खोली जा रहे हैं और अमेज़ॉन धड़ाधड़ उसको ब्लॉक किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। जो एक वीए होता है उसको पता है कि इसके क्या एसओपीज हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको अंडरस्टैंड करता है और वो चीज़ों को पूरे उसका जो सेलर सेंटर है उसमें मैनेज करता है आपके अकाउंट को। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल जो बिजनेस कर रहा होता है ना वो वीए कर रहा होता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी तो इन्वेस्टमेंट होती है, उसने तो उस पर उसकी बातों पे यकीन करके करना है। तो वीए के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने सारा जो बिजनेस करना है वो उसने करना है, और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके नॉलेज के ऊपर लग रही है। इसलिए इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब, और इसमें जितना बेहतर आप करेंगे और उतना बेहतर आप कमा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बात की ना कि $250-300 पर अकाउंट, दिस इज बिगिनिंग। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एक एक अकाउंट का $2,000-2,000 चार्ज कर रहे हैं, $3,000-3,000 चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद बिजनेसमैन भी इतना नहीं कमाता जितना वीए कमा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें।